गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और किसी की रोने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। कोई सुबह सुबह आया है, इंजेक्शन लगे हैं, ब्लड टेस्ट ड्रेनेज के लिए, ये ब्लड ग्रुप होना है। और ये कौन सा टेस्ट है? ब्लूरबिन। अभी मैं लेके जा रहा हूँ। आई आई आवाज आई आपको? उसके बाद फिर बेबी को फिर से थेरेपी मिलेगी। अगर 10 के नीचे वो आता है ना तो डिस्चार्ज कर देंगे, और 10 के आसपास या 10 के ऊपर आता है तो फिर उसे आज रखना पड़ेगा। पर हमें पता है बेबी का तो 10 के नीचे ही आएगा, और बेबी हमारा 10 घर जाएगा। सुबह सुबह का समय 8 बज रहा है और ये ब्लड सैंपल लेना है। इसमें ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट और एक और रिपोर्ट है। तो ये रहा बेबी का ब्लड। देते हुए नीचे मैं चाय लेने चला जाऊंगा, क्योंकि आज डिस्चार्ज डे भी है और 10 बजे तक बोल रहे थे ना डिस्चार्ज करने। अच्छा, तो एक फाइनल डिसीजन हुआ है चांदनी का कि जब तक बेबी नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी। तो चलिए मैं जाता हूँ और ब्लड टेस्ट करवाता हूँ जाके, और चाय लेके आता हूँ कि भाई इसको करा लूँ। फिर सुबह सुबह का समय है तो ब्रेकफास्ट में अभी और कुछ नहीं तो चाय तो बनती है, चाय बिस्किट तो खाए जाए। पहले ब्लड टेस्ट हो जाए, इसके बाद चाय लेके जाऊँगा। ब्लड ग्रुप के लिए सैंपल दे दिया गया है बेबी के ब्लड का, तो 2-3 घंटे में बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। आज डिस्चार्ज भी होना है तो 10 बजे 10:30 बजे बोल रहे थे। तो अगर 10 तक आता है जो ब्लड टेस्ट कराया है, तो उनने बोला है कि 10 भी आता है तो बेबी को अभी भी यहाँ पे NICU में रखना पड़ेगा, और 10 के नीचे आता है तो सब नॉर्मल है। देखते हैं 2-3 घंटे में रिपोर्ट आएगी। वैसे तो सही आनी चाहिए क्योंकि 3 दिन से है NICU में बेबी को रखा गया है, और वार्मर पे रखा हुआ था और लाइट वाइट को सिस्टम होता है। थोड़ा सा अपना येलोइश कलर आ रहा था। हम चल के अभी फ़िलहाल खाएंगे तो नहीं, चाय ले आएँ क्योंकि चांदनी भी अभी फीडिंग करा रही है बेबी को। जब तक तो मैं चाय लाऊंगा तो उसकी फीडिंग भी जाएगी, उसके बाद मेरे को उसको बैक करके वो कराना पड़ता है, क्या बोलते हैं, तो मेरी क्या मालूम मेरी मेमोरी क्यों लॉस हो रही है, मेरे वर्ड्स नहीं निकलते आजकल, क्या मालूम क्या हो गया है, नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर जो भी है 2-3 दिन से। चाय आ गई है लेकिन अभी तक चांदनी और बीवी फ्री नहीं हुए हैं। बीवी की फीडिंग अभी भी चल रही है, जब मैं गया था तब भी चल रही थी। बड़ा खुश हो के पूप की गई है, खुश हो के वही चांदनी अभी हम लोग को क्या है समझ में नहीं आ रहा, स्माइल वगैरह कब करती, बड़ा खुश हो रहा था पूप करके। एक शिकायत दर्ज हुई है कि जब भी चाय आती है और बीवी साथ में रहता है तो ऐसा ही होता है, चाय पीने नहीं देता है और रोना चालू कर देता है कि पहले मुझे अपना फीड करो उसके बाद अपने आप को फीड करो। ठंडी चाय पे स्टार्ट हो गई है हमारी, हम जा रहे हैं घर। नहीं है, इसके पहले अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आ जाए, खुशखबरी मिल जाए कि हाँ सब सही है तो खुशी खुशी घर जाएंगे। क्या कहते हैं आप? हाँ, क्योंकि डॉक्टर तो बोल रहे थे आपको घर चले जाना, और बीवी यहीं रखी गई, पता करें तो कुछ होता है तो मैं इतना नहीं हो पाएगा, अकेले कहाँ से छोड़ पाएंगे। तो ये फिर से चांदनी जी की दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने जो आगे चलनी है, क्या कब तक चलती रहेंगी? अच्छा, एंटीबायोटिक है 5-6 दिन की, तो वही मैं लेने जा रहा था। तो जब तक आप और जो जो रेडी कर रहे हैं। तो मैं तैयार हो रही थी क्योंकि आज हम बेबी का वेलकम करने वाले थे घर पे, तो अभी उसकी रिपोर्ट आई है जॉइंटिस की। तो जॉइंटिस जो है वो जो लेवल होता है वो 10 के नीचे होना चाहिए, वो 10.53 आया है। तो ये निकलना था तो नर्स आ गई थी तो उन्होंने ये निकाल दिया। तो अभी ना शाम तक उनने हमसे बोला है रुकने के लिए,
बेबी को डबल बल्ब थेरेपी में रखा है, वही ना थोड़ी टेंशन हो रही थी हम लोग को एक ब्लड ग्रुप देख के और ये जॉइंटिस देख के। तो मैं भाई से यहाँ बात कर रही हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि हमें एक हॉस्पिटल का नाम भी बता रहा है मेरा भाई, और वो कह रहा है कि इतना भी डबल बल्ब में रखेंगे, और बच्चों में इतना होता है पर थोड़ा उसका बड़ा हुआ है जो कि हम लोग को लग नहीं रहा, तो एकदम ना लाल लाल है, मतलब तो गाल भी लाल है और ऐसे, पर हाँ प्रेस करने पे जो येलो येलो सा है ना वो दिख रहा था, और उसकी नोज जो है वो थोड़ा सा जो पीलापन है ना वो दिख रहा था। वही है अभी राजा मेरी मेडिसिन लेने गए हैं, हमने पैकिंग कर ली थी अभी, पैकिंग पर छोड़ी है, और डॉक्टर ने हमसे कहा था कि आप लोग चले जाओ शाम को आके बेबी को राजा या को भी लेके चले जाएंगे, पर मेरा नहीं मन मान रहा था, मेरे को लग रहा था कि बेबी की जैसे थेरेपी होती है तो वो फीड करते हैं ना, तो मैं उसे फीड कराती रहूँगी ताकि मैं उसे देखती भी रहूँ यहाँ पे, मेरा मन ही नहीं कर रहा है घर जाने का, और मैं राजा को बोला जब तक बेबी नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगी, और राजा भी थोड़े वो हो रहे थे वो जैसे भग भग के आए जब टेस्ट को लेके आए थे। तो चलिए मैं देखती हूँ यार कि क्या है और कैसे, अभी देखते हैं बेबी को क्या करना है। जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो आ गया, अब उसकी नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगनी है 9 जुलाई, अच्छा लग चुकी है 9 जुलाई, 7 जुलाई लग चुकी है, अब उसे लगनी है 22 अगस्त, मतलब आपके बर्थडे से एक दिन पहले उसकी 23 अगस्त को मेरा बर्थडे और 22 अगस्त को उसकी वैक्सीनेशन है, मतलब उसको वैक्सीनेशन होगी तो हो सकता है वो वैक्सीन लगती है, तो जैसे अभी लग रहा है कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो फीवर वगैरह आ रहा है। नहीं वैक्सीन आती मैंने बहुत फील की है, एक पेनलेस वैक्सीन भी आती है और वो वाली भी आती है, आपको ऑप्ट करना चाहिए जिसमें बेबी कम्फर्टेबल हो, तो हम वो वाली ऑप्ट करेंगे और वो वाली लगवाएंगे, अगर वो वाली उसमें है ये है, और बेबी भी आएगा तो ठीक कर लेंगे। तो 2-2.5 घंटे से NICU में ही है बेबी, 2-2.5 घंटे पहले फीड किया था, तो उनको बोला है तो वो बोल रहे हैं कि 5-10 मिनट में, बोल रहे जितना लाइट में रहे वार्मर में रखा हुआ है उसको, लाइट बढ़ रही है जॉइंटिस हुआ उसके चक्कर में थोड़ा बहुत, तो जितना लाइट में रह लो उतना उसके लिए अच्छा है। तो बेबी का वेलकम वाला जो सीन है मेरे को नहीं लग रहा है, शाम तक हुआ होगा, पर हम लोग अभी तक पहुंच जाते हैं। हाँ अभी तक तो पहुंच गए होते, पेंडिंग पड़ा है बहुत सारा वर्क, यहाँ से फ्री हो जाए तो फिर वहाँ का अपना कुछ चार्ज, मम्मी पापा हैं तो कम से कम ये है कि थोड़ा उन लोगों को अरेंजमेंट हो तो वो मिल जाएगा, तो जब तक ऊपर का थोड़ा सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि ऊपर में बहुत सारी चीजें करानी है तो वो हो जाए, उसके बाद गंदे घर में बच्चे को नहीं लेके जा सकते, पहले घर की सफाई होगी, साफ सफाई होगी, उसके बाद बेबी को पहले मिल जाएगा वहाँ पे, तो बेबी का फीडिंग भी आने वाला है, और बेबी की मम्मी और पापा के लिए भी खाना ऑर्डर किया गया है, तो आज 3 दिन से तो मैं कुछ कुछ और कुछ कुछ खा रहा था, लेकिन आज मैंने पनीर की सब्जी ऑर्डर की है विद चपाती, और मेरे को वही है मेरा, और इनका सेम बोल दिया तुमने, बिना बटर डाल दिया था, मुझे खांसी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई, फीडिंग हो रही है बेबी की, फीडिंग हो गई है, हो गई है, अब डकारे दिलवाई जा रही है, तो अभी इसकी थेरेपी चली रही है, अभी लास्ट राउंड पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर में निकलेंगे, है ना? हाँ हाँ, तो अभी AC बंद बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि ना उसके जो कपड़े हैं ना वो भी नहीं पहने हुए इसने अभी, क्योंकि वो थेरेपी ले रहा है लाइट बल्ब में, अच्छी आ रही है, कौन है थेरेपी में, अभी थोड़ी सी होप की मुझे बस थोड़ी देर सुलाऊंगी मैं, उसके बाद में छोड़ देंगे, नहीं तो उसको अभी दे देंगे फिर जब आएगा तब कपड़े पहनाएंगे ना, वो पहनाएंगे, मैंने अपने बेबी को एक बार भी कपड़े नहीं पहनाए, नर्सेस ही कर रही थी, स्टाफ नर्सेस थी काफी हेल्पफुल थी, उन्होंने बहुत किया है, है ना, बहुत किया ना, अच्छे से किया ना सर, हाँ लग रहा है जल्दी से बस घर पहुंच जाए, चाय की खड़ू, अरे चाय ले आऊं, चाय ले आऊं, तो पापा लोग भी आ रहे, मम्मी नहीं आ रहे, मम्मी की तबीयत खराब है, पैर में अभी भी दर्द है, तो मम्मी मेरे ख्याल से नहीं आएगी, पापा आएंगे, तो जल्दी से 6 बज जाए, बेबी तैयार हो जाए अच्छे से,
और फिर हम लोग यहाँ से निकल के घर पहुँच जाए बस। आज हम कहा दिन में वेलकम हो जाता, आज हम लोग का दिन में वेलकम हो जाता, पर वही है कि अब जब होना होगा तब भी हो गए हैं। तो चलिए अभी चाय पीते हैं या टी ब्रेक लेते हैं, इसे सुलाती हूँ मैं, वो लेके जाएगी एक उसके, और फिर टी ब्रेक के बाद हम ब्लॉग एंड कर देंगे, है ना। अब मैं सुबह मैंने लिपस्टिक लगा ली थी और बीबी क्रीम लगा ली, उसके बाद मूड ख़राब हो गया। अब मैं लेटी हुई थी, मुझे लगा सो जाती पर मैं सो नहीं पाई, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है चेहरे पे, तो अभी थोड़े टाइम तक रहेगी ये जो चीज़ें हैं। मेरे हाथ पर में भी स्वेलिंग है, आज निकली है ये पानी ले जाके। तो ना अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और मैं खा रही हूँ बिस्किट, तो मैं सिर्फ खिचड़ी या दलिया खा रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं खा सकती हूँ बहुत टाइम तक। तो बिस्किट है, ये चाय है, बेबी अपने उस पर गया है, मतलब जिसको थेरेपी हो रही है उसके लिए, और उसके बाद से मैं बेबी कपड़े निकाल के दे रही हूँ और हम लोग यहाँ से निकलेंगे आधे घंटे में, एक घंटे में। तो वहाँ से पापा आ रहे हैं क्योंकि सामान भी बहुत सारा हो गया है, और अब भी मुझे पता नहीं है कि बेबी को लेके मैं कितना चल पाती हूँ। हाँ मैं यहाँ वॉक कर लेती हूँ कि वो भी धीरे धीरे, पर मैं कितना चल पा रही हूँ मुझे नहीं मालूम है, तो देखना पड़ेगा। तो पापा आ रहे हैं तो सामान वामान भी लोग जो है मिल के कर लेंगे यहाँ का, बहुत सारा सामान था। मैं पता है आप लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अपने लास्ट मंथ में हैं तो डेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल मत चलिए, हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखिए, है ना। अगर ये तैयार नहीं होता ना वो कितना बेनिफिट होगा उससे। हाँ अगर तैयार नहीं होता ना तो आपको पता है शायद आ रहा है घर भग रहे हो तो तुम बार बार और कुछ कपड़े खरीद के ला रहे होते, कुछ ला रहे होते, ये कर रहे होते। ये हिसाब किताब लेके बैठे हैं, यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि हम लोग चाय बिस्किट खा रहे थे। ऐसा लग रहा है घर जाके, आपको घर जाके वो तो घर जाके ही पता चलेगा कि हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे नीचे वाले रूम में। नीचे वाले नहीं, फिलहाल तो मुझे लग रहा है ऊपर भी कितनी गंदगी मची पड़ी होगी। अभी तो फिलहाल ऊपर भी नहीं जा सकते, सही बोल रही हूँ बेबी को लेके, अभी हम नीचे ही। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जाए और सो जाए, जाए और सो जाए। सीरियसली पता है यहाँ पे ना 6-6 बजे उठना पड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई आके खटका ही देता है 6-6 बजे, तो नींद खुलती है। उसके बाद ऐसा होता है कि पहले दोपहर में हम लोग सो जाते थे, है ना यहाँ पे, पर तुम तो तब भी नहीं सो पा रहे थे, मैं फिर भी सो जाती थी कि बेबी को फीड करा लिया, उसके बाद फिर बेबी सो गया मैं भी सो गई। पर अभी ऐसा हुआ है कि ना 2 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और कल भी हम 2 बजे तक जग रहे थे, फिर 6-7 बजे उठ गए, 4 घंटे सोए ना, और सोए नहीं है। 2 बजे तक हम बात कर रहे थे, 7 बजे में उठना पड़ गया था। मैंने इनको बोला कि अच्छा सा मेकअप करके तैयार हो जाओ, तो क्या बोली आप? मेकअप नहीं है, मेकअप लाना भूल गई पहली बार। मेरे को तो मेकअप की जरूरत नहीं है, मैं तो ऑल टाइम मेकअप में रहता हूँ, कैसे चमकता रहता हूँ ऐसा कुछ परमानेंट मेकअप। चलिए मैं जा रही हूँ और होती हूँ तैयार, और अब नेक्स्ट व्लॉग में हम करते हैं बेबी को वेलकम, घर जा रहे हैं हम लोग, फाइनल डिस्चार्ज हुए हैं, कितने दिन बाद हुए, 3-4 दिन डिस्चार्ज हुए। तो अब करते हैं आप इस वीडियो को एंड, मैं करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच आपकी बहुत सारे विशेज के लिए। मैं अभी कॉमेंट जो है ना रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे नींद पूरी नहीं हो रही मेरे लगता, बहुत जल्द से आप लोगों के कॉमेंट्स वगैरह सब रिप्लाई करूँगी, बट फिलहाल थोड़ा सा टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज, सबको गुड विशेज, बाय बाय।